से स्वागत है आप सबका अड्डा 247 में. मैं वत्सला मिश्रा लेकर आई हूँ केमिस्ट्री क्लास 12th की. ओके अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन. सो चलिए देख लेते हैं आज का क्वेश्चन. यस, आज का क्वेश्चन है आपका, कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन टू FCC लैटिस विथ एज लेंथ. एज लेंथ दी है, याद रखिएगा. यानी कि चलिए साथ साथ सॉल्व करते जाते हैं. 3.61 × 10⁻⁸. यही तो है. ओके उसके बाद लिखा है कि FCC लैटिस. ओ वेरी गुड, जेड इज इक्वल टू 4. आपको तो अब कुछ करना ही नहीं है इसमें. देन नेक्स्ट वन इज शो दैट द कैलकुलेटेड डेंसिटी इज इन अग्रीमेंट विथ इट्स मेजर्ड वैल्यू ऑफ 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अब यानी कि क्या पूछ रहे हैं आपसे भाई, आपको ये शो करना है कि जो कैलकुलेटेड डेंसिटी है वो इसी अग्रीमेंट में चले. ठीक है, सो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को बेसिकली एंड बोर्ड पे आ जाते हैं. सो आपका जो क्वेश्चन है उसमें आप डी रख लो, जेड इंटू एम रख लो, अपॉन ए क्यूब रख लो और एन ए रख लो. यही तो रखते हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना. सो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ये है 4 × 63.5. मैंने 63.5 क्यों लिया, क्योंकि लिखा है कॉपर. कॉपर जिसका एम होता है 63.5, यानी कि मॉलिकुलर मास. याद आया? ठीक है. नेक्स्ट वन इज ए क्यूब, जो कि है 3.61 × 10⁻⁸ का क्यूब कर लो और फिर ले लो 6.022 × 10⁻²³ एटम्स. यही तो है एन ए, एवोगैड्रोस कांस्टेंट. ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कहीं ना कहीं दे देता है 8.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अब अपने क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए. उसमें लिखा है कि शो दैट द कैलकुलेटेड डेंसिटी इज इन अग्रीमेंट. तो बिल्कुल है ना अग्रीमेंट में. यही तो है भाई, वहां पे दिया 8.92 और हमारा आंसर 8.96 या समझ लीजिए 8.97 जैसा कुछ कुछ आ गया. तो यही है आपका आंसर. तरीका सेम है, कॉपर का बस मॉलिक्यूलर मास याद होना चाहिए, बस दैट्स इट. क्योंकि FCC है इसलिए Z इज इक्वल टू 4 होगा. सो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए. ऑलरेडी बुक में नियोबियम के बारे में, एल्यूमिनियम के बारे में भी क्वेश्चन है. सो सॉल्व करिए इसे ताकि आपका रिवीजन प्रॉपर तरीके से हो सके. सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच.